कुंभकर्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं, जो यूं तो अपना ज्यादातर समय खाने और सोने में बिताते थे, फिर भी वो एक महान योद्धा और वैज्ञानिक माने जाते थे। कुंभकर्ण को मारना श्री राम के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हुई। कुंभकर्ण की मौत के बाद श्री राम और उसके परिवार की शत्रुता समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी से दो संतानें हुई थी, मुल्कासुर और भीम। इसमें से मुल्कासुर की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इस राक्षस की मौत श्री राम के हाथों से नहीं बल्कि माता सीता के हाथों से हुई। क्यों कुंभकर्ण के बेटे से लड़ने को आना पड़ा माता सीता को? क्या हुआ जब सीता माता के सामने आया कुंभकर्ण का बेटा? कैसे निकाला सीता माता ने असुर को मिले वरदान का तोड़? ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। कुंभकर्ण के बड़े बेटे का नाम था मुल्कासुर, क्योंकि उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसे बेहद अशुभ माना जाता है। इसी कारण उसे पैदा होते ही जंगल में फिकवा दिया गया। जंगल में मुल्कासुर को मधुमक्खियों ने पाला। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, जिसे उन्होंने मना कर दिया। तब मुल्कासुर ने उनसे वरदान मांगा कि स्त्री के अलावा उसे और कोई नहीं मार पाएगा। ये वरदान पाकर मुल्कासुर ने सोचा कि वो अमर हो गया है, क्योंकि औरत में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो उसे मार सके। फलस्वरूप उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि उसे स्त्रियों के अलावा और कोई नहीं मार सकेगा। मुल्कासुर इस वरदान से खुश होकर दुनिया भर में हाहाकार मचाने लगा। इसके कुछ समय बाद वो लंका गया, जहां उसे अपने पिता की मौत का पता चला, और ये भी पता चला कि लंका के वर्तमान राजा विभीषण ने युद्ध में श्री राम का साथ दिया था, जिन्होंने उसके पिता कुंभकर्ण की हत्या की थी। ये जानकर मुल्कासुर गुस्से से जलने लगा। उसे जब अपने पिता के बारे में पता चला तो उसने निश्चय किया कि वो पहले विभीषण का वध करेगा और फिर श्री राम का। मुल्कासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ विभीषण को मारने दौड़ पड़ा। विभीषण की पूरी सेना भी मुल्कासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब विभीषण हारने लगा तो उन्होंने श्री राम की मदद की गुहार लगाई। विभीषण की गुहार सुनकर श्री राम ने अपनी पूरी सेना विभीषण की मदद के लिए भेज दी, पर वरदान के कारण कोई मुल्कासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राम को मुल्कासुर के वरदान के बारे में बताया। तब श्री राम सीता जी के पास गए और उन्हें मुल्कासुर के बारे में बताया, और ये भी बताया कि उसकी मौत सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। जब सीता माता को मुल्कासुर के अत्याचारों का पता चला तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चंडिका रूप ले लिया और मुल्कासुर से युद्ध करने पहुंच गई। सीता माता और मुल्कासुर एक दूसरे के आमने सामने आए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुल्कासुर को ये विश्वास था कि एक स्त्री उसका क्या ही बिगाड़ पाएगी, पर सीता माता ने उसे गलत साबित कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद सीता माता ने चंडिकास्त्र छोड़कर मुल्कासुर का नाश कर दिया। मुल्कासुर के अंत के साथ ही लंका में मुल्कासुर का आतंक खत्म हो गया। सभी देवी देवताओं ने देवी को प्रणाम करके शांत किया और चंडिका देवी फिर से सीता माता के रूप में आ गई। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।